इस वीडियो में भी व्रत के कुछ सवालों की चर्चा की गई है। जैसे कुछ सवाल जिस तरह से दिए गए हैं उनको हल करके बताया गया है, उसी तरह से करना है। जैसे सवाल नंबर एक है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी वृत्त का एक व्यास है, जिसकी भुजा ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है और कहता है यदि कोण ए डी सी बराबर, कोण ए डी सी बराबर दिया गया है क्या 140 अंश, तो कहता है कोण बी ए सी का मान बताना है, बी ए सी का मान बताना है। किस तरह से बताएंगे कोण बी ए सी का मान बताइए, बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, कोण बी ए सी का मान ज्ञात। ये क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन नंबर एक को हल करते हैं क्या कि कहता है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी एक वृत्त का व्यास है। कहता है कोण ए डी सी बराबर 140 अंश, तो कहता है कोण बी ए सी का मान बताना है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या है ए बी वृत्त का व्यास है, तो देखिए ए ओ बी ये है वृत्त का व्यास। और कहता क्या है जो वृत्त की परिधि पर बिंदु होंगे वही चक्रीय चतुर्भुज होंगे। ये बिंदु यहाँ पे C है, ये बिंदु यहाँ पे D है। कहने का मतलब कि कोण ए डी सी, ए टी सी, ए डी सी का मान 140 अंश दिया। और कहने का मतलब फिर कहता क्या है कोण बी ए सी का मान बताना है। किस तरह से बताएंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए ए बी सी डी ए वृत्त की परिधि पर स्थित है, तुम्हें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात उनके सम्मुख कोणों का एक फल 180 अंश होता है। किस तरह से होता है देखिए, जैसे कोण ये धन कोण ये का योगफल किसके बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि कोण बी के सामने का कोण डी है, अर्थात ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, अर्थात इसका इसका योग 180 के मान के बराबर होगा। देखिए किस तरह से, जैसे कहते हैं ए बी हल करते हैं इसका कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। किस तरह से होता है देखिए बेटा, तुम्हें पता है कि कोण डी या कह सकते हो कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, तो कहते हैं कोण ए डी सी की जगह कितना है 140 धन कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए बी सी बराबर 180 में 140 घटा दोगे तो ए बी सी बराबर निकला 40 अंश, क्योंकि 180 में
80 को घटाया तो कितना निकला 40 अंक, तुम्हें पता है कि कंडीशन क्या है कि AOB वृत्त का व्यास है। क्या बेटा? AOB वृत्त का व्यास है, हमें ये कोण 40 निकला। ये क्या है? विकर्ण होता है, क्योंकि चतुर्भुज में भी चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे चतुर्भुज हो विकर्ण, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो उसमें भी दो विकर्ण होते हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो। तो हमने विकर्ण एसी को मिला दिया। जब हमने विकर्ण एसी को मिलाया तो तुम्हें पता है कि अर्धवृत्त पे बना कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश। तो देखिए कोण ACB बराबर 90 अंश, ये निकला कितना 40 अंश, ये कितना निकला 90 अंश। तो इस कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, कोण ACB बराबर 90 अंश, ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण, और अर्धवृत्त पे बना कोण 90 अंश होता है, ये कोण निकला 40 अंश। तो हम इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या है बेटा कि 90 धन 40 अर्थात 130, ये निकला कोण 40 अंश, क्योंकि 90 धन 40 सॉरी कहते हैं त्रिभुज एसीबी में कोण एसीबी धन कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए बी बराबर 180, इससे निकाल लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का एक फल कितने अंश होता है 100। तो ए सी बी का मान 90 अंश है, ए बी सी कितना है हमने 40 निकाल लिया है, कोण सी ए बी बराबर 180 अंश, तो कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस 94 130 निकला, अर्थात कोण सी ए बी बराबर 50, अर्थात ये कोण का मान 50 निकला, ये कोण 90 निकला है, ये कोण 40 निकला है। हमें मान बताना है कोण बी ए सी का मान बताना है, किसका मान? बी ए सी का मान कितना निकला 50 अंश, या सी ए बी कह सकते हैं या बी ए सी कह सकते हैं, अर्थात कोण बी ए सी बराबर कितना निकला 50 अंश, अर्थात बी ए सी बराबर 50 अंश। तुम्हें पता है अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180, ये 140 तो ये 40 निकला, ये 90 निकला, तो 40 90 130 हुआ, ये कितना निकल आया 50 अंश निकल आया, अर्थात कोण सी ए बी बराबर 50 अंश या बी ए सी बराबर 50 अंश। देखते अगला सवाल क्या है, फिर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की चर्चा करते हैं, क्या है कि लेते हैं कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ केंद्र का एक वृत्त है, कहता है बी ए डी बराबर 30 अंश। ये देखिए ओ केंद्र का एक वृत्त है, बी ए डी का मान कितना है, यदि बी ए डी यदि कोण बी ए डी बराबर 30 अंश तो याक्ष कामा वाई और जेड का मान बताइए, जेड का मान ज्ञात कीजिए। कहता बी ए डी बराबर 30 अंश है, किस तरह से? ये ओ केंद्र का वृत्त है, चित्र बना हुआ है, कहता ए ओ बी या बी ओ डी
कहने का मतलब चित्र किस तरह से है? तुम्हें पता है कि एक ही वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बी ए डी, ये बिंदु सी है, ई मान लो ई है, और ये तरह से चक्रीय चतुर्भुज बना है, ये बिंदु है। कहता है बी ए डी का मान है 30 अंश, हमें एक्स वाई जेड का मान बताना है, ये कोण एक्स अंश है, ये कोण वाई अंश है, ये कोण जेड अंश है, हमें इसका मान बताना है, एक्स अंश का मान, वाई अंश का मान और जेड अंश का मान। तुम्हें पता है कि चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का क्या होता है? दूना होता है। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर दो को, कि चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर कोण बी ओ डी और इसी चाप द्वारा परिधि पर कोण बी ए डी बनता है, क्योंकि पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। कहने का मतलब कोण बी ओ डी बराबर केंद्र पर दो गुना बनेगा परिधि से, तो टू कोण बी ए डी। बी ओ डी कितना है? वाई बराबर टू गोड टी संस, तो कोण वाई अंश बराबर 60 अंश। ये वाई का मान 60 अंश निकला। अब तुम्हें पता है क्योंकि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ई डी बराबर 30 अंश, या कोण जेड बराबर 30 अंश, या जेड बराबर 30 अंश, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो वाई का मान तो 60 अंश निकला, जेड का मान 30 अंश निकला। अब तुम्हें पता है ए बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कहते ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। कहते बी ए डी कितना है? 30 अंश, और कहते बी सी डी कितना है? एक्स अंश बराबर 180 अंश। तो एक्स अंश बराबर 180 माइनस 30 अंश, तो एक्स अंश बराबर 150 अंश। इस तरह से कोण एक्स अंश का मान निकला 150 अंश, कोण वाई अंश का निकला 60 अंश, और जेड अंश का निकला 30 अंश। इस तरह से कोण एक्स वाई जेड प्राप्त हो गए। अब देखते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की किस तरह से। जैसे कहते हैं ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 की ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी डी
तो कोण भी बराबर 75 अंश। तो अन्न कोण ज्ञात करना है, तो अन्न कोण जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म में समांतर होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कोण बी बराबर 75 अंश है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है कि अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म में समांतर होता है उसे हम चक्रीय समलंब कहते हैं, अर्थात भुजा ए बी भुजा सी डी का युग्म समांतर है मगर बी सी और ए डी का युग्म समांतर नहीं है। क्योंकि भुजा ए बी भुजा सी की चक्रीय चतुर्भुज का है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे लंबवत दूरी। अर्थात कहने का मतलब चक्री समलंब में या समलंब चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक युग्म तो समांतर होता है मगर दूसरा युग्म समांतर नहीं होता है। हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज के चारों कोणों का। देखिए तुम्हें पता है कि ये समांतर इसके ये तिर्यक रेखा काटती है तो इस कोण धन इस कोण का योगफल 180 अंश होते हैं। इनको बोलते हैं क्रमागत कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। कहने का मतलब कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, इनको बोलते हो क्रमागत कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल। कहने का मतलब क्यों कि जब ए बी समांतर सी डी को तिर्यक रेखा बी सी काटती है, काटेगी तो इस धनिष्ठ कोण का एक फल 180 अंश के बराबर होगा, अर्थात 75 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण सी बराबर 180 माइनस 75 या कोण सी बराबर कितना निकला 105 अंश, अर्थात इस कोण का मान 105 अंश निकला। अब तुम्हें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर सी की जगह हम लिख सकते हैं 105 बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 105, तो कोण सी बराबर 75 अंश। इसी तरह से इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, तो बी का मान है 75 अंश, डी बराबर 180 अंश, कोण डी बराबर 180 माइनस 75 अर्थात कोण डी बराबर 180। इस तरह से इस चक्रीय समलंब चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात हो गए, 75 105 और कोण डी भी 105 और कोण सी भी 75। कहने का मतलब चक्रीय समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का भी योगफल 180 अंश होगा, चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज हो वो चाहे चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो। चक्रीय समलंब चतुर्भुज या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस तरह से ये सवाल हल हो गया।